सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवाइसर। तो आज हम देखने वाले हैं टाटा नेक्सॉन ईवी और इसके ओनर भी हमारे साथ हैं। तो ओनर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार वीडियो में आ जाएं और इन्हीं के थ्रू जानेंगे ये गाड़ी इन्होंने लेने की स्टोरी की, गाड़ी इन्होंने क्यों परचेज की और ईवी ही क्यों ली। और टाटा नेक्सॉन में और भी गाड़ियाँ आती हैं जैसे कि टिगोर वगैरह आती है और ZS EV भी, जैसे सर ने बताया इनकी फैमिली में है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ईवी ही क्यों ली। एक्चुअली मेरा ना बहुत रनिंग रहता है दिल्ली टू हरिद्वार का, तो उसी पर्पज़ के लिए हमने ईवी चूज़ करी क्योंकि हमारे पास और भी कार्स है लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं पड़ती हमें, तो उसके लिए हमने ईवी प्रेफर करी क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। ओके सर, क्या कॉस्ट आपको पड़ती है इसकी पर किलोमीटर की? लेस देन अ रुपये, आप मान के चलिए 0.70 पैसे के करीब पर किलोमीटर पड़ती है मेरे को। ओके सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं गाड़ी दिल्ली नंबर है और अभी सर खड़े हैं देहरादून में, तो लगभग यहाँ से 200 या 250 किलोमीटर होगा दिल्ली। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, तो आपको जैसे रस्ते में आप आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती? चार्जिंग वगैरह जगह जगह अवेलेबल है या? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपमेंट में है, दिल्ली टू देहरादून इजीली डूएबल है, चार्जिंग स्टेशन बहुत अवेलेबल है इन रूट में। ओके, तो चार्जिंग अवेलेबल। और आपको कितने की पड़ी थी ये ऑन रोड? जिस टाइम मैंने परचेज करी थी तब ये 16.5 लाख की थी और सब्सिडी सब करने के बाद मुझे 14.5 लाख की पड़ी है, तो लगभग 14.5 लाख की गाड़ी पड़ी है। तो आप कुछ इसके गाड़ी के बारे में ड्रॉबैक्स या पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स बस मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाकी फिर गाड़ी का लुक दिखाएंगे यूजर्स को। ड्रॉबैक तो एज सच कोई नहीं है, बट रेंज का थोड़ा सा एंजाइटी रहती है एक नए कस्टमर को रिलेटेड कि आप जहाँ जो डेस्टिनेशन आप प्लान कर रहे हैं आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके रूट में अवेलेबल है तो कोई इशू नहीं है। बस एक ड्रॉबैक है कि थोड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जब थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा तो आप इस कार को कहीं भी लेके घूम सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके हाँ जी, तो ये गाड़ी का पूरा लुक है फ्रंट से आप देखेंगे, इसमें DRLs आते हैं प्लस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग दी गई है, प्लस जो इसमें नंबर प्लेट है वो ग्रीन कलर की रहती है, प्लस ये ब्लू कलर की पूरी स्ट्रैप इसमें दी गई है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको ईवी की बैजिंग मिल जाती है, प्लस लाइट्स इसमें सेम वही है जो डीजल वेरियंट और पेट्रोल वेरियंट में आती है, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स प्लस हैलोजन और नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस लगभग उतना ही है, 209 mm के आसपास है। साइड में मूव करते हैं, इसके जो इंच 16 इंचेस के आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, साइड लुक सेम वही है डीजल वाला ही, प्लस इसमें एक डिफरेंस रहता है कि जो स्ट्रैप है वो आपको ब्लू कलर की मिलती है, ये ORVM है, इसके ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए। पीछे का भी मैं आपको लुक दिखा देता हूँ एक बार, तो ये पीछे का लुक है, पीछे भी आपको ईवी की बैजिंग मिलती है, इस टाइप के आपको LED इसमें टेल लैंप्स दिए गए हैं, ये इंडिकेटर के लिए है, वहाँ पे आपको वाइपर भी मिल जाता है, प्लस प्यूमा की यहाँ पे बैजिंग दी गई है। रियर में डिफॉगर और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप प्लस शार्क फिन एंटीना मिलता है, रूफ वाइट कलर की दी गई है। रियर का लुक ऐसा है गाड़ी का, आपको स्किड प्लेट्स भी इस गाड़ी में मिल जाती है नीचे, प्लस सेंसर इस गाड़ी में दो दिए गए हैं। तो ये XZ+ वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट से एक नीचे वाला वेरिएंट है, यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, प्लस इतना कुछ आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे लगेज लैंप भी दिया गया है गाड़ी में और नीचे आपको स्टेपनी दी गई है, प्लस यहाँ से आप इसको दोबारा लॉक कर सकते हैं। अभी डोर गाड़ी को ओपन करते हैं और गाड़ी का इंटीरियर्स देख लेते हैं, यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज मिलते हैं, ड्राइवर साइड इल्यूमिनेटेड है और बाकी तीनों इल्यूमिनेटेड नहीं है, क्रोम डोर हैंडल आपको दिया गया है। उसके बाद ऐसी कुछ गाड़ी में आपको स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, तो यहाँ पे आपको ये सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो आपको नॉर्मल पेट्रोल और डीजल में मिलता है, सेम वैसा ही सारा कुछ इंटीरियर है टोटल। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको टैबलेट के लिए एक अलग से पार्टीशन दिया जाता है, कूल ग्लव बॉक्स है, प्लस ये आपने टेपिंग वगैरह कराई है ना भैया? एक्चुअली इसका जो पैनल है ना ये ग्लॉसी फिनिश में है, तो ये स्क्रैचेस बहुत जल्दी इस पे एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो उस वजह से मैंने एक फिल्म चढ़ा रखी है जिससे स्क्रैचेस ना लगे इसको। ओके, वैसे कौन से कलर की आती है ये? थोड़ा ब्लैक ही आती है ना? हाँ जी, तो ये ब्लैक ही आती है, बट इन्होंने स्क्रैचेस से बचने के लिए इसमें अलग से फिल्म लगाई हुई है। ये इसका पूरा आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, भैया थोड़ा सा मेरे को बताओगे? हाँ जी, तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, आप यहाँ से आपको बैटरी परसेंटेज दिख जाएगी, उसके नीचे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिख जाएगा, प्लस ये ट्रिप है, ए ओडोमीटर जो आपकी कार की रनिंग अभी तक हो चुकी है, प्लस इसमें आप ये एनर्जी फ्लो दिखाते हैं जैसे आप रीजन ले रहे हैं। Okay. तो इसमें मोटर से बैटरी में पावर जाते हुए MID पे शो होता है कि मोटर से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होके बैटरी को चार्ज करती है। बेसिकली इसमें रीजन का एक ऑप्शन होता है जिसमें अगर आपको आप रेस छोड़ देंगे
तो आपकी कार ऑटोमेटिकली पावर जनरेट करती है। करेक्ट, तो इसमें ये भी है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल का दिया गया, इसमें जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर तक है, तो ये आई थिंक लिमिटेड कंपनी ने 120 किलोमीटर पर तक की हुई है, उसके ऊपर आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते। बट 120 भी काफी होती है, मैं नॉर्मली भी 120 नहीं भगाता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको जो जगह दी गई आप अपना सामान रख सकते हैं। नॉर्मली गियर नॉब होता है बट यहाँ पे वो चीज नहीं है, ये आपको दिया गया है ड्राइव, उसके बाद स्पोर्ट्स मोड, उसके बाद रिवर्स के लिए और न्यूट्रल के लिए, उसके बाद यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। इस टाइप की आपको सीट्स इस गाड़ी में मिलती है। 1 लीटर की बॉटल बहुत ईजिली रख जाती है। ऑल 4 पावर विंडोज मिलती है। IRVM यहाँ पे आपको मैनुअल ही मिला है, ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पे आपको कर मिल जाता है, प्लस सनग्लास होल्डर। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप दिया गया है। यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता है, इस साइड आपको मिरर दिया गया है। अभी रियर साइड में देख लेते हैं एक बार कितनी जगह है इसमें। तो रियर में आप देख सकते हैं इस टाइप के आपको पावर विंडोज के लिए स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो है वाइट कलर का मिलता है, वाइट और थोड़ा सा सिल्वरिश कलर है। और यहाँ पे आपको सेम वही क्रोम, यहाँ पे आपको ट्विटर और नीचे आपको स्पीकर मिल जाते हैं। सेम 1 लीटर की बॉटल इजीली आती है, प्लस यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी आपको मिलते हैं इसमें। प्लस आपको रियर में भी एसी मिल जाता है, प्लस ये आमरेस्ट इस गाड़ी में दिया गया। और सीटिंग भी काफ़ी अच्छी है, 3 लोग इजीली बैठ जाते हैं। तो ये तो था गाड़ी का, बाकी यूज़र से थोड़ा सा और बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में कि भैया जैसे आपने बताया गाड़ी में अभी रेंज 250 किलोमीटर है। हाँ जी। तो अभी अगर आप जाएंगे फॉर एग्जांपल 120 की इसमें रेंज बची हुई है, आपको अभी हरिद्वार जाना है। हाँ जी। तो लगभग यहाँ से 60-70 किलोमीटर है। अगर ट्रैफिक वगैरह में आप फंस गए तो उस केस में कोई बैकअप प्लान है आपके पास? उसमें कोई इशू नहीं है। ट्रैफिक में ये और ज़्यादा रेंज देती है। मैंने आपको बताया ना जैसे ब्रेक्स लगते हैं तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेके बैटरी चार्ज होती है इसकी। Okay. तो बाय चांस अगर आप कभी किसी सिचुएशन में ऐसी अराइज हो गई जिसमें आपकी बैटरी निल हो जाती है बिल्कुल, तो यू कैन कॉल टाटा सर्विस, दे विल प्रोवाइड यू अ व्हीकल एंड इट विल गिव यू अराउंड 10-15% चार्ज, वेयर यू कैन विजिट नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन एंड चार्ज योर कार। ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज भैया ने बताया कि अगर इनकेस आपकी जो बैटरी है वो खत्म हो जाती है, 10-15% आपको बैटरी चार्ज करके देंगे और ताकि आप अपने नियरेस्ट स्टेशन तक पहुंच सके और अपनी गाड़ी को चार्ज कर। आपके अंदर इसमें चार्जर पड़ा है भैया गाड़ी का? एक्चुअली वो मैंने अपने घर पे ही रखा हुआ है, चार्जिंग वहीं पे होती है ना। तो एक्चुअली क्या है, मेरे को पता था कि इजिली डुएबल है ये स्ट्रेच जो है हरिद्वार टू देहरादून और देहरादून टू हरिद्वार, तो उस पर्पज के लिए फिर मैंने चार्जर कैरी नहीं किया। ओके, तो भैया ने चार्जर कैरी नहीं किया, अदरवाइज आप कैरी भी कर सकते हैं। और हाँ, एक ऑप्शन और आता है कि आप फास्ट चार्जर घर पे इंस्टॉल भी करा सकते हैं। घर पे इंस्टॉल करा सकते हैं लेकिन कोई नीड नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ चुका है कि आपको अब थोड़े टाइम में एवरी 5 किलोमीटर आपको एक फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा विद इन 2-3 इयर्स। और एक चीज और भैया, जो चार्जर मिलता है गाड़ी के साथ वो मे बी 8-9 घंटे लगाता है चार्ज करने में। हाँ जी, तो ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब मिनिमम 1 आवर में आपकी कार को वो 10% चार्ज करता है। अब डिपेंड कर रहा है कि आप कितने परसेंटेज पे चार्जिंग पे लगा रहे हो। सपोज आप 30% पे चार्ज कर रहे हो अपनी कार, तो इट विल टेक अराउंड 7-7.5 आवर्स टू चार्ज योर कार टिल 100%। ओके, और ओपन कहाँ से होता है जो चार्जिंग बे इसका? सेम वहीं से, नॉर्मल जैसे पेट्रोल लेड को हम ओपन करते हैं यहीं से। ओके, सेम यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन हो जाता है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका जो बे है, चार्जिंग बे इस टाइप का है। तो यहाँ पे वाला जो है इससे, ये नॉर्मल एसी चार्जर के लिए है। ओके, ये घर वाला चार्जर। हाँ, और अगर आपको फास्ट चार्ज डीसी चार्ज करना है तो आपको ये बोथ पोर्ट्स में CCS2 पोर्ट आता है, उससे कंपेटेबल है। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज इससे भी आप कर सकते हैं इजीली। ये आपका फास्ट चार्जर के लिए और ये आपका नॉर्मल जो घर पे आप यूज करते हैं उसके लिए। हाँ जी। सो गाइज, लगभग मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी होगी। अगर इन केस आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं भैया की इंस्टाग्राम आईडी आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।